सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज, आज है वीरवार। आज की मैंने स्कूल की छुट्टी कर ली। छुट्टी क्यों कर ली? अपने दो दिन बाद शादी है घर में, तो उसकी कुछ तैयारी करनी है। आज हलवाई भी आए हुए हैं नीचे, कढ़ाई चढ़ी हुई है, मिठाई बनाएंगे कुछ, तो उनको कुछ सामान देना है। तो आपको दिखा देता हूँ नीचे का। और आज तो बारिश का भी मौसम हो रहा है भयंकर। शाम को हल्की आई थी, आज देखते हैं कितनी आएगी। मुझे लगता है बहुत बरसेगा, बता रखी है बारिश आनी। तो आपको पहले मौसम दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जलेबी तली जा रही है गर्मा गर्म। आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया माल बना रहे हैं मिस्त्री लोग। हलवाई गजब के पकड़ के लाए थे हम। जलेबी देख लो आप शक्ल कितनी बढ़िया बन रही है। ये देखो यहाँ पर ये हलवाई तल रहा है हम जलेबियों को। क्या बात है, ऐसे ही मज़ा आ रहा है देख के। यहाँ पर ये मठल्लू तले जा रहे हैं। मट्ठी होती है जो नमकीन, वे चाय के साथ खाने के लिए। अपने चार पांच मिठाई करी है शादी के लिए, तो यहाँ पर ये तल रहे हैं। यहाँ पर ये लड्डू बनाए जा रहे हैं, पूरे गच्च घी में बनाए जा रहे हैं लड्डू। ये दोबारा जलेबी दिखा दिया आपको, गर्मा गर्म फ्रेश माल। ये लड्डू को लाल दाने, लाल हरे होते हैं ना दाने, वैसे करने के लिए है ये। इसे अपने बूंदी तले के फिर ये साइड में दिख रही है आपको पीली बूंदी, इसमें मिला देंगे, लाल हो जाएगा पूरा, लाल और पीला हरी भी बनेगी इसमें। सो गाइस, यहाँ पर मिठाई रखी जाएगी सारी। यहाँ पर उस साइड बर्फी है, इस साइड ये लड्डू। मैं लगा हुआ हूँ काम पर। इतना तो लग गया सामान जो ये दिख रहा आपको लड्डू। एक परात और आ गई, अभी दो तीन और बची हुए हुए और लगाएंगे, यहाँ पर पूरा भर जाएगा। लड्डू तो हो गया पूरे, ये बर्फी या बर्फी जलेबी आगे जलेबी, पूरा कमरा भर जाएगा थोड़ी देर में। सो गाइस, अब ये कमरा थोड़ी देर में पूरा भर जाएगा, मिठाई मिठाई हो जाएगी पूरे कमरे में, तो पूरा कमरा। सो गाइस, आज का ये व्लॉग छोटा ही बना पाया। आज थोड़ी पता नहीं क्या हो रहा है, तबीयत सी खराब होने लग रही है। बारिश भी आज चालू हो गया नहीं, हल्की हल्की बौछार सी आ रही है। आज ज़्यादा मोटरसाइकिल पर घूम लिया था मैं। पापा तो गए हुए हैं बाहर कार्ड देने शादी के। तो अब आपको आगे के व्लॉग दिखाता हूँ आज जो आगे बनेंगे। आप देखना अपने चैनल पर शादी के व्लॉग आएंगे। और एक और प्रॉब्लम हो रही है, 5 तारीख को ही शादी है, 5 तारीख को ही अपनी बसंत पंचमी है, पतंग भी उसी दिन उड़ानी है।